फ्रेंड्स, रसगुल्ले तो हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ रसगुल्ला विद अ ट्विस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक बेक्ड रसगुल्लास। लेकिन इससे पहले अगर आपने ताजा रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध यूज किया है। आप चाहें तो रेगुलर मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम यूज करने से रबड़ी बहुत स्मूथ बनेगी और अच्छे से थिकनेस आएगी इसमें। इसे हम तेज आंच पे उबालेंगे जब तक कि इसमें उबाला ना आ जाए, और जब इसमें उबाल आएगा तो हम इसे सिम पे काढ़ेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। थोड़ा कड़छी चला लेंगे हर एक दो मिनट में ताकि नीचे से जो है दूध चिपके ना। दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधी हो गई है, काफ़ी गाढ़ा भी लग रहा है दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में ऑलरेडी शक्कर डली हुई है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क की बजाय खोए का इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम खोए में आपको 100 ग्राम चीनी डालनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 150 ग्राम फ्रेश क्रीम। मैंने रेडीमेड क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घर वाले दूध की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे 2-3 मिनट तक थोड़ा और कड़ने देंगे ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं और थिक हो जाएं। हमारी रबड़ी डन है। अभी बस थोड़ा सा इलायची पाउडर फॉर फ्लेवरिंग, आधा चम्मच डाला है मैंने। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। एंड द रबड़ी फॉर बेक्ड रसगुल्ला इज रेडी। गैस को बंद कर लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बेकिंग डिश जिसमें हम इन रसगुल्लों को बेक करने वाले हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी रसगुल्ले पड़े हैं तो वी विल बी स्क्वीजिंग आउट द जूस। अभी हम इन रसगुल्लों के ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई है वो पोर करेंगे। हमने जो चाशनी स्क्वीज आउट करी है रसगुल्लों में से, उसकी जगह रसगुल्ले ये जो मिक्सचर बनाया है हमने रबड़ी का, उन्हें सोक करेंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। ज़्यादा ऊपर तक हम इसे फिल नहीं करेंगे, थोड़ा आधा ही फिल करने वाले हैं क्योंकि अब ये जैसे ही गर्म होगा तो ये दूध उबल के ऊपर आएगा एंड वी डोंट वॉन्ट द मिल्क टू स्पिल। एंड लाइक आई हैड अर्लियर मेंशनड, ये जितना बेक होगा ये दूध उतना घट होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा एंड इट विल बिकम क्वाइट थिक। अभी हम इसे रखेंगे इन द ओवन फॉर बेकिंग। तो मैंने माइक्रोवेव ओवन पे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्रीज पे इसे 4-5 मिनट तक बेक करने वाली हूँ। सो अवर बेक्ड रसगुल्लाज आर रेडी। देखिए बहुत ही अच्छा कलर और टेक्स्चर आया है। जो रबड़ी है वो भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है ऑन द साइड्स। So you can have them either hot or chilled. I prefer having them chilled. So what I'm going to do is कि थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए इसे मैं फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे बेक्ड रसगुल्ले रेडी हो गए हैं, एकदम चिल्ड है। इसे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मैं चॉप्ड आलमंड्स बादाम से कर रही हूँ गार्निश इसे। एकदम सॉफ्ट एंड फिल्ड विद रबड़ी, ये देखिए, ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप डेफिनेटली इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो देखा आपने ये बेक्ड रसगुल्ला बनाना कितना इजी है। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये डिश आप बनाएंगे तो ये आपके हर इवेंट की स्टार अट्रैक्शन बन जाएगी। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। साथ ही साथ आपको ये डिश कैसे लगी कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करिए। मैं आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। आई शेल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।